नमस्ते बच्चों, मैं अनुपम प्रजापति गुरुकुल स्टडी सेंटर से आप सभी को हिंदी बी कोर्स सीबीएसई पाठ्यक्रम में दिए गए व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय वाक्य रूपांतरण पर आज हम चर्चा करेंगे। वाक्य रूपांतरण, तो सबसे पहले वाक्य कैसे बनता है। तो वाक्य के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्द तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कह लो, उन सभी के लिए हमें अलग अलग शब्द की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि कमल एक फूल का नाम है, खिला मतलब खिलना, सरोवर तालाब, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। अब मैंने क्या किया, इन सभी को एक समूह में रखा। खिला, सरोवर है, कमल, खिला सरोवर है कमल। लेकिन बच्चों, यदि मैं इस वाक्य को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करती हूँ तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए यह आवश्यक है कि शब्दों को शब्दों के समूह में तो रखें, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही स्थान पर रखें। तो इस तरीके से मैंने इन सभी अलग अलग शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से सही स्थान पर रखा और फिर मैंने एक वाक्य बनाया। कमल, कमल सरोवर में खिला है, यह एक सार्थक समूह है। अलग अलग शब्दों को हमने समूह में रखा है और व्याकरण की दृष्टि से रखा है, तो इसलिए ध्यान में रखिए शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। क्या इसका इसकी परिभाषा क्या होगी, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। इसे हम देख सकते हैं कि वैसे ही मैंने दो वाक्य और लिए हैं। छात्र को कविता समझ नहीं आई, देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। या फिर मैंने आपको एक और परिभाषा बताई कि शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। तो जो परिभाषा आपको आसान लगती है वो परिभाषा आप याद रखिए, ठीक है बच्चों। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंगों की अपनी अपनी विशेषता है, जैसे हाथ जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह अपना काम काज करती है, वैसे ही पैरों का अपना योगदान है मनुष्य के जीवन में। तो यदि हाथों के स्थान पर पैर को रख दिया जाए और पैरों के स्थान पर हाथ को रख दिया जाए, तो क्या मनुष्य अपना हर एक कार्य सही तरीके से कर पाएगा? नहीं ना। तो उसी तरीके से वाक्य के अंग होते हैं महत्वपूर्ण अंग, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाक्य लिए हैं, चिड़ियों ने दाने चुग लिए। किसने? चिड़ियों ने क्या किया, दाने चुग लिए। छोटे बच्चे को पानी पिला दो। किसे? छोटे बच्चे को। क्या करो? पानी पिला दो। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। किसमें? समाचार पत्र में। क्या हुआ है? अनोखी घटना छपी है। एक नटखट बालक खेल रहा है। कौन? एक नटखट बालक। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो अब हमने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर हमने इस एक वाक्य में दो समूह बनाए, ठीक है। इस हर एक वाक्य में हमने रेखांकित किया है। तो वाक्य में जो कार्य कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो भी कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य में जिसे उद्देशित करके कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो भी विधान किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यह है उसकी परिभाषा भी, और आप इसे समझ सकते हो कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और इस वाक्य में विधेय क्या है। तो जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी विधान किया जाए उसे हम कहते हैं विधेय।
उद्देश्य और विधि। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, और इसे याद रखिए क्योंकि इस पर ही आप वाक्य के भेद समझ सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल मतलब एक सिंपल सेंटेंस, जैसे हम कह लें वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, ये हो गया सरल वाक्य। लेकिन संयुक्त, संयुक्त मतलब नाम से ही तुम्हें पता चलेगा कि संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। राम आया, श्याम गया, तो राम आया यह एक स्वतंत्र वाक्य है, श्याम गया यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन हमने इसे जोड़ा किससे, और से। राम आया और श्याम गया, तो जब हम दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम संयुक्त कहते हैं। और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में पहला दो वाक्य इसमें भी होते हैं, इसमें ध्यान में रखिए इसमें एक ही वाक्य होता है, इसमें दो वाक्य होते हैं स्वतंत्र वाक्य, और यहाँ भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने कहा कि कल मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने कहा यह एक वाक्य है, ठीक है, कल मैं नहीं आऊंगी यह भी एक दूसरा वाक्य है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैंने कहा, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैंने क्या कहा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तब मैंने वाक्य में दूसरे वाक्य से उसे पूर्ण किया कि कल मैं नहीं आऊंगी। तो इससे वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, मतलब आप भी समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि कल मैं नहीं आऊंगी, तो इसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर आश्रित होता है। मैंने कहा कि, तो हमने इसे जोड़ा किससे है, कि से। तो बच्चों कि में एक मात्रा होती है छोटी और एक मात्रा होती है बड़ी की मात्रा। तो ये ध्यान में रखिए कि जब हम दो वाक्यों के बीच में जब हम की का प्रयोग करते हैं तो क में छोटी ई की मात्रा आती है, और जब हम वाक्य लगातार पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें क में बड़ी की मात्रा होती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे की में गलतियां करते हैं। इसलिए ध्यान में रखिए कि जब दो वाक्यों के बीच में जोड़ने के लिए आप की का प्रयोग करते हो तो क में छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, और ये की का प्रयोग जब आप किसी भी वाक्य को कहते चले जा रहे हो उसमें कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है तो वहां पर आप उसका प्रयोग करोगे। तो सबसे पहले हमने जो देखा कि पहला भेद सरल वाक्य, तो सरल वाक्य में ध्यान में रखिए रेखा खाना खा रही है, इसमें उद्देश्य क्या है, रेखा क्या कर रही है, खाना खा रही है, ये क्या है, विधेय, और रेखा क्या है, उद्देश्य, ठीक है। वैसे ही रेखा और कुसुम खाना खा रही है, तो रेखा कुसुम दो व्यक्ति है इसमें, मतलब इसमें दो उद्देश्य है, ठीक है, और यहां पर एक ही उद्देश्य है, और विधेय क्या है, एक ही है, क्या कर रहे हैं वो, खाना खा रही हैं, तो यहां पर खाना खा रही है यह जो हो जाएगा विधेय है, यहां भी एक विधेय है। तो ये ध्यान में रखना कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य या एक से अधिक, मतलब दो भी उद्देश्य हो सकते हैं, और विधेय में एक ही क्रिया होती है, विधेय मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर से ध्यान में रखिए जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, मतलब एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब इसे हम देखते हैं, आप परिभाषा यहाँ पर याद कर सकते हो, लिख सकते हो, ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल
वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं। तो आप कभी भी अगर सरल के स्थान पर साधारण शब्द का प्रयोग देखोगे तो कभी भी ये मत समझना कि ये क्या होता है, सरल को ही साधारण कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे आप दूसरे तरीके से याद रख सकते हो इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो याद हुआ आपको, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि सरल वाक्य लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने खाना खाया, वह बाहर जा रहा है, तो इसमें ये याद रखिए कि जब भी ऐसे वाक्य होंगे तो वो सरल वाक्य होंगे। जहाँ अभी अभी जैसे हमने उदाहरण पढ़ा कि रेखा खाना खा रही है, रेखा और कुसुम खाना खा रही हैं, अरविंद ने अनीता से पाठ पढ़वाया, ये सब क्या है, सरल वाक्य है। जहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस हम कह सकते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपने इसे पहले भी देखा था कि चिड़ियों ने दाने चुग लिए, छोटे बच्चे को पानी पिला दो, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, एक नटखट बालक खेल रहा है। तो ये जो सारे आपने अभी उदाहरण देखे थे, एक वाक्य देखा था, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। तो ये ध्यान रखिए। अब हम इसके दूसरे भेद पर जाएंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ना संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसे हम जोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये गुलाब की पत्तियाँ हैं, दो अलग अलग पत्तियाँ जुड़ी किससे है, इस डंठल से जुड़ी है। ठीक है, तो इस डंठल से जो जुड़ी है, तो ये जैसे यहाँ पर एक पत्ती है, इसे हम समझ लो, हम इसे समझ लें कि ये एक वाक्य है, और ये जो दूसरी पत्ती है मतलब यह कि है यह दूसरा वाक्य है। ठीक है, जुड़ी किससे है, डंठल से। डंठल मतलब यहाँ पर हम इसे समझ लें कि ये है योजक। व्याकरण में आपने पढ़ा होगा योजक चिन्ह, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग आपने 8वीं 7वीं आपने इसे पिछले की कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो योजक शब्द, तो योजक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं हम इसे, और, या, किंतु, इसलिए, अथवा, परंतु, तथा, अतः, अन्यथा, इन सभी योजक शब्दों से हम अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम आया, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, इसका अपना एक अर्थ होता है, राम आ रहा है। श्याम गया, इसका भी एक स्वतंत्र अर्थ है, श्याम गया, लेकिन अब हमने इसे जोड़ दिया, राम आया और श्याम गया, हमने जोड़ा किससे, और से। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। वैसे हमने यहाँ पर लिखा खाना खाओगे, इसका एक अपना, ये एक स्वतंत्र शब्द है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। वैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर चाय पियोगे, इसका भी अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो खाना खाओगे, चाय पियोगे, अब इन दोनों अलग अलग वाक्यों को मैंने जोड़ दिया या से। खाना खाओगे या चाय पियोगे, अब मैंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग वाक्यों से एक वाक्य बनाया, लेकिन जोड़ा किससे, या से, खाना खाओगे या चाय पियोगे। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की, यहाँ पर मैंने एक स्वतंत्र वाक्य लिखा है, मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की, यहाँ पर मैंने लिखा है वह नहीं आया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये स्वतंत्र वाक्य को जिसका अपना एक अलग अर्थ होता है उन सभी को जोड़ दिया किंतु से।
मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य को जब हम योजक शब्दों से जोड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुझे बुखार था, एक स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन मैंने इसे एक वाक्य बनाया। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। इन दोनों वाक्यों को मैंने योजक शब्दों से जोड़ा है। ऐसे ही आप अलग अलग योजक शब्दों से जब दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। तो हम उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आप और अच्छे तरीके से आप इसे समझ सको। जैसे हमने लिया इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु, अन्यथा, ये सभी कौन से शब्द हैं बताइए? ये है योजक शब्द। क्या है ये? योजक शब्द है। ये योजक शब्दों से हम क्या करते हैं? दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मुझे बुखार था, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, जोड़ा किससे हमने? इसलिए से। वह बाजार गया, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। उसने सामान खरीदा, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, जोड़ा किससे हमने? और से। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, उसे लाभ नहीं मिलता और मजदूर मेहनत करता है, दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों ही स्वतंत्र वाक्य है, दोनों का अपना अलग अर्थ है। लेकिन हम इसे जब एक वाक्य बनाते हैं तो हमने क्या किया, इसे योजक शब्द से जोड़ दिया, परंतु से। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया, बादल घिरे अंधेरा छा गया, इसे हमने जोड़ा किससे? तथा से। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। परिश्रम करो अन्यथा पछताओगे, ठीक है। उसने सिर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जब हम दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। और इसमें और आप भी ध्यान रख सकते हो कि जो हमने पढ़ा था उद्देश्य और विधेय, मुझे बुखार था तो किसे था? मुझे उद्देश्य है, बुखार था क्या है? विधेय। अब दूसरे वाक्य में मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैं क्या है? उद्देश्य। और विद्यालय नहीं जा सका, ये होगा विधेय। तो जिस वाक्य में दो उद्देश्य दो विधेय संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप इसे दो तरीके से याद रख सकते हो इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर जिस वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप इसके इसका जो मैंने लिखा है इसकी परिभाषा आप एक बार ध्यान में रखिए। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं संयुक्त वाक्य में। तो ध्यान में रखिए, जब हम दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य को योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपको यह समझ में आया कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अब कितना अंतर है? सरल वाक्य मतलब एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जिस मतलब कोई भी एक हम वाक्य, वह गया जैसे हम ले सकते हैं, यह है सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य, ध्यान में रखिए, दो अलग अलग वाक्य, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ये सारे उदाहरण दिए, दो अलग अलग वाक्यों को जब हम एक वाक्य बनाते हैं और उसे जोड़ते हैं योजक शब्दों से उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। बहुत ही आवश्यक है आपको वाक्य रूपांतरण के लिए सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं,
और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जब तक आप इन तीनों में अंतर नहीं समझोगे तब तक आप इसे पूर्ण तरीके से आप इसे समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान से समझिए अब तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब आई बारी मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य, जैसा कि पहले ही भी मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर या फिर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम आश्रित होना मतलब क्या होता है, डिपेंड होना, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। कुसुम ने कहा, अगर मैं सिर्फ यही वाक्य लिखूं तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप समझोगे ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। वह कल कानपुर जाएगी, यह वाक्य लिखने के बाद ही हम इस पूरे वाक्य को समझ पाए कि कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। हमने जोड़ा किससे है, योजक शब्द। ये सब योजक शब्द है, जैसा कि आपने संयुक्त वाक्य में देखा। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, और मिश्र वाक्य में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दोनों ही वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। इसमें पहला वाक्य दूसरे पर या दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है। कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी, तो यहाँ पर आश्रित है पहला वाक्य की दूसरे वाक्य पर आश्रित है, और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है, अगर मैंने इस तरीके से वाक्य कहा तो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन सा भारत देश है, कि यहाँ गरीबी है, कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, कि क्या है यहाँ पर। तो वहाँ पर वो कह रहा है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। हमने जोड़ा किससे, जिसे से। तो हमने देखा कि यहाँ पर यह दोनों ही वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित है। अगर हम एक ही वाक्य को कहे तो फिर और दूसरा वाक्य ना लिखे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वह क्या कहना चाहता है। राधा को पुरस्कार मिला, अगर मैं इतना ही लिखूं और उसके आगे लिखूं ही नहीं तो मन में प्रश्न उठेंगे ना कि आखिर क्या हुआ, किस कारण से उसे पुरस्कार मिला, क्या खेल में मिला, कि पढ़ाई में मिला, कि किसी और चीज में मिला, कि कविता गायन में मिला। तो हमने यहाँ पर लिखा, राधा को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। मतलब उसे गीत सुनाने के कारण उसे पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि से इन योजक शब्दों से जोड़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ऐसे वैसे ही मैंने यहाँ पर और भी लिखा है, जो मेले में खो गई थी, मेले में खो गई थी, यह तो एक वाक्य है। यह वही लड़की है, इसको जोड़ा किससे हमने, जो मेले में खो गई थी, यह वही लड़की है। यहाँ पे यहाँ भी दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। यदि हम एक ही वाक्य को रखेंगे तो हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, मिश्र वाक्य में दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। स्वतंत्र वाक्य में हम दोनों ही वाक्यों को यदि अलग अलग लिखते हैं तो उन दोनों का अर्थ अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन हम उसे योजक शब्दों से जोड़कर एक वाक्य बना दें। लेकिन मिश्र वाक्य में आप यह ध्यान रखिए कि मिश्र वाक्य में दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो आप यह ध्यान में रखिए, जब तब, जैसे तैसे, कि यदि तो, चूंकि इसलिए, जैसे वैसे, यह सभी योजक चिन्ह हैं। इन सभी को याद रखना, क्योंकि जब आप वाक्य रूपांतरण करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वाक्य रूपांतरण करने में आपको सहायक बनेंगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि यहाँ पर दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं।
ठीक है। और इसे हम यदि ध्यान देंगे इसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर, तो ध्यान में रखिए कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होता है, यह सब उपवाक्य है। कुसुम ने कहा यह उपवाक्य है, वह कल कानपुर जाएगी, तो यह सब जो है वह एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष जो है अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। एक पहला वाक्य होता है और दूसरा जो है उस पर आश्रित होता है। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ये उपवाक्य किससे जुड़े रहते हैं? योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब तब जैसे तैसे की क्योंकि यदि तो चूंकि इसलिए जैसे वैसे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कक्षा यहीं पर समाप्त नहीं होगी, इसके आगे हमें बहुत कुछ सीखना है। इसलिए आपको मैं सिर्फ इतना और इसके बारे में कुछ उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुँची वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई, तो जैसे वैसे यहाँ पर यह जो योजक शब्द जो है वह एक वाक्य दूसरे वाक्य को आश्रित भी है और जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब तब से हम क्या कर रहे हैं? जैसे तैसे से हम जोड़ रहे हैं और इस प्रकार वह दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है कि जैसे मैं स्टेशन पहुंची तो वैसे क्या हुआ, जैसे मैं स्टेशन पहुंची वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। तो आप ध्यान में रखिए, सरल वाक्य मतलब एक सिंपल सेंटेंस, वह खाना खा रहा है। संयुक्त वाक्य मतलब जहां पर दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को आप जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य जहां पर दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो सकता है उसमें प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, ठीक है। लेकिन दोनों को जब हम रखेंगे तभी हम मिश्र वाक्य को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही समझेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य एक सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब दो अलग अलग स्वतंत्र शब्द वाक्यों को जोड़ना, दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ना संयुक्त वाक्य कहलाता है। और मिश्र वाक्य जहां पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। और यह जो है वह योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से योजक शब्द थे जिसका प्रयोग हमने मिश्र वाक्य में किया, जब तब जैसे तैसे की क्योंकि यदि तो चूंकि इसलिए, चूंकि वो बीमार था इसलिए कक्षा में नहीं आया, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग योजक शब्दों के द्वारा हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और वैसे ही ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि योजक शब्द संयुक्त वाक्य के लिए और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, तथा, अतः, अन्यथा, ये सारे योजक शब्द जो है वो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को, दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसे ध्यान से सुनिए। और आप, मुझे तो ये पता है कि आपने इसे ध्यान से सुना है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी को आप लिख कर रखिए, क्योंकि इसके आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं या संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य किस प्रकार से हम उसका रूपांतरण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसे ध्यान में रखिए और लिख कर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।